नमस्कार जोहार। खास कथार खास अतिथि आज अच्छा तेजेश्वर पड़ा। तेजेश्वर बाबू को समस्ते जानते, से पूर्वतन खदी बोर्ड पूर्वतन चेयरमैन, पूर्व से विजु जनता दल सहित थे, निकट में विजु जनता दल छाड़ी बीजेपी आप जॉइन करते। आप कार्यक्रम को स्वागत। किंतु गोटे जिनस देखु, आप बर्तमान जिते बड़े अन्न दल रु लोक निज दल छाड़ी बीजेडी सामिल होती, सेतेबेले आपण गोटे नुआ धारा केमती आरंभ कले, जे आपण बीजेडी छाड़ी बीजेपी रे सामिल हो गले। देखंतु भारतीय जनता पार्टी गोटे विराट आंदोलन, वर्तमान राज्य पे आमर जेतिकी कर्तव्य रही, देश पे मध्य सेतिकी कर्तव्य रही। जो कथा आमे केबे स्वप्न रे मध्य भावि नथिले, धारा 370 जम्मू काश्मीर हटिला, अयोध्या राम मंदिर निर्माण हला, वर्तमान गोटे सीए आसिबो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट आक्ट आसिबो, वर्तमान देशर आवश्यकता होची यूनिफॉर्म सिविल कोड, एवं ये जो राष्ट्रीय स्तर समस्या सब रही देखुची वर्तमान बोध हुए भारत बर्षर और विशेष करके ओडिशार युवक मान भितर एवं ओडिशार बुद्धिजीवी मान भितर ओडिशार साधारण नागरिक भितर ये कथार गोटे बहुत बड़ गोटे प्रभाव रही। से चाहती जे आम गोटे मुख्य स्रोत में सामिल हबु, राष्ट्र निर्माण में सामिल हबु, एवं भारतीय जनता पार्टी कोटना कोठी से स्रोत में सामिल करुच्ची युवक मानक, रिप्रेजेंट करुच्ची युव समाज को, मुँ रिप्रेजेंट करुच्ची से मानक जो मैंने तल स्तर रही, से मैंने कोटना कोठी गोटे देश प्रति भल पाइबाटा भितर बहुत अधिका अच्छी। प्रथम जिते छात्र संसद सभापति दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ला बेले थी, मुँ अखिल भारत विद्यार्थी परिषद सदस्य थी और विद्यार्थी परिषद सहित कम कर संघ सहित कम कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर विभिन्न जो विभाग अच्छी जमी आप शिक्षा विभाग है मुझे तो सक्रिय भाव में कम कर पचारे आपको चाहूँगी जे आप दिल्ली में पाठ पढ़ू दिल्ली में छात्र राजनीति में सामिल थे कि आम देखीचु से डायरेक्ट भाया मीडिया न जाकि आपे मुख्यमंत्री को भेटी थे नवीन पट्टनायक और विजु जनता दल में सामिल होते संगठन मान नेतृत्व नौली आम ओडिशा जंतर मंतर ठू नहीं कि आरंभ विभिन्न आंध्र भवन में केतेबेले धारणा करचु दिल्ली में थिले एवं केतेबेले आम रामलीला मैदान में आंदोलन करचु अनेक समय आम ओडिशा प्रति जो भल पाइबा थिला दिल्लीर लोक मान जो अच्छी से लेकर आम आंदोलन करथुलु जे जातीय स्तर रे गोटे चाप सृष्टि करने कि ओडिशार विकास कि चाप सृष्टि करने कि से समय रे ओडिशा रे बीजेडी एवं बीजेपी रे गोटे गठबंधन सरकार थिला एवं एनडीए सरकार थिला। एटा होचु 2009 रो पूर्व मसिहार कथा पूर्वर कथा एवं सेतबेले आमे विजु जनता दल सहित गोटे से अनेक नेता थिले अनेक सांसद थिले जो माने माने मोर मन अच्छी धर्मेन्द्र बाबू सांसद थिले बैजयंत बाबू सांसद थिले एमती बहुत युव नेता थिले जो माने सब से समय रे आमको बहुत सहयोग आमको करिसंती आमे ओडिशार स्वर उठाउथुलु गोटे आंचलिक दल भाव रे आमको लगला जो कोटना कोठी आंचलिक दल रे गोटे आवश्यकता अच्छी जे आमे सेठी स्वर उठाई पारिबु तेणु मु दिल्ली रे थिले मध्य परवर्ती समय रे विजु जनता दल संगठन मध्य सेठी केमती माने विजु जनता दल विभिन्न कार्यक्रम हबो सेथिरे मध्य निजुकु सामिल करथिलु एवं सेथि पई कि बोधवे एवं मोर जो विजु जनता दल रे सामिल प्रक्रिया हला किंतु परवर्ती समय रे किछि राजनीतिक घटनाचक्र हेछि मु विजु जनता दल सहित पाखापाखी गोटे जदि कहिबे संपर्क पाखापाखी 15 वर्षर माने छात्र राजनीति समय रे थिली पुणी दिल्ली रे गला परे सेतले विद्यार्थी परिषद सहित कारण से विजु छात्र जनता दल नथिला मु विद्यार्थी परिषद को सहयोग संपूर्ण भाव करछि एवं परवर्ती मुहूर्त रे पुणी ओडिशा रे आसीकि मते विजु जनता दल जो जो दायित्व देछि विशेष करिकरी ओडिशा रे पूरा मालकानगिरी रु नैकिरी सुंदरगढ़ पर्यंत बरगढ़ रु नै केंद्रापड़ा पर्यंत जोठी जोठी विजु जनता दल जो काम रे लगे से पर्यवेक्षक भाव हो संगठन बढ़ेबार दायित्व हो निर्वाचन जितबार कथा हो जो जो दायित्व मते 2019 पर्यंत मु दलर प्रवक्ता रही दलर विभिन्न जगह मु पर्यवेक्षक रही विभिन्न जिले में पर्यवेक्षक रही मैनिफेस्टो कमिटर मेंबर मते दल कला स्टार कैंपेनर रखी थे जदि मु चाहू नी तथा देखो खदी ग्रामोद्योग बोर्ड रे जितबले मते अध्यक्ष करागला सेटा गोटे सरकारी दायित्व थिला सेतबेले मते जो दायित्व दिहायतला मु चेष्टा कली संपूर्ण भाव से दायित्व को निर्वहन करिया पाए एवं मु पूरा 5 वर्ष पर्यंत मु निर्वहन करिछि किंतु
कथा होचे जे मोर मु जेतु गोटे छात्र संसद सभापति भाव में आसी मो पर किए के वार्ड मेम्बर टे ना वार्ड मेम्बर निर्वाचन मोर पर किए लड़ी ना मु सीधा सड़क छात्र संसद माने छात्र राजनीति आसी जुव राजनीति कर लोकों सहित मानते पखापाखि 2012-22 गत 10 वर्ष गोटे दशंधि धरिकी मो निर्वाचन मंडल में पाटकुरा निर्वाचन मंडल में केन्द्रापड़े और राज्य में मु पूरा सीधा सड़क तृणमूल स्तर में काम करे एवं मोर मत मोर स्वर मोर राजनैतिक चिंताधारा एवं मु जो निष्पत्ति नेबी राजनैतिक निष्पत्ति जोटा नहीं निष्पत्ति केवल मोर निष्पत्ति नुहे से निष्पत्ति होची अनेक लोकंकर निष्पत्ति एवं एमिति गोटे माहौल होती केन्द्रापड़े पाटकुरा निर्वाचन मंडल में आप देखिए कि आगु सोशल मीडिया अपील करी सांसद कुआडे गले गोटे आम सांसद को देखिलु बैजयंत बाबू सांसद थे जो सांसद वर्तमान नहांती किंतु मो निर्वाचन मंडल में प्रबल बन्या है बैजयंत बाबू सांसद न थी रिलीफ पठेले निजे आसिक बुलिक देखीगले आम सांसद आसिले ना एवं दीर्घ दिन पर 5.5-6 मास पर आम सब लिखला सांसद को देखा मिलूँ पाखापाखि 5-6 मास पर सांसद को देखा मिलूँ आम यू कहला अन्य पक्ष आप देखिए आम माननीय विधायिका अनेक समय देखा पाऊन वर्तमान गोटे राजनीति एमती चली केवल प्रतिनिधि प्रतिनिधि राजनीति चली अर्थात निर्वाचित जनप्रतिनिधि माने निजे पद आसुना से माने तांको प्रतिनिधि पठेकर शासन चलती परिस्थिति होती आपड़ आज ग्रास रूट को जातु तृणमूल को जातु आप देखिए लोकों भितर गोटे आक्रोश विद्रोह एवं लोकों भितर जो लोक प्रश्न पचारुंच कड़े गले लोक तो या कहते चाहूल पाटकुरा बिजेडी टिकेट चाहूल दल देखिए यही तो निश्चित मुझे कहीं आज खोला कथा मुझे कौन सी प्रकार मिछ कह चाहे राजनीति में जो मैंने छात्र संसद राजनीति अंत करके आस भर इच्छा थाए जे आम लोकों पर जनप्रतिनिधि होकर काम करूँ यू अस्वीकार करूनी किंतु राजनीति निश्चित निश्चित भाव में मुझे छात्र संसद सभापति होकर आसीना मुझे निर्वाचन लड़ी हारी निर्वाचन लड़ी पुणी जीति छात्र संसद में दिल्ली विश्वविद्यालय भाई जगह मुझे जा सभापति कथा हूँ जे आज युवक मान को कौ मान सुजोग दि जाऊँ आप देखिए आज कौ भाई युवक मान को दि जाऊँ जो मानकर गोटे मानने छात्र संसद भितर आसी ना मुँ को कौन एमती बहुत लोक अच्छा जो मैंने छात्र संसद भितर आसई करके आंतु से बापा माँ हे तो मानने किए बर्तमान विधायक अच्छा मुझे कौन कारण से निजे छात्र आंतु एमती अनेक चेहरा अच्छा जो मैंने राजनीतिर रक्षर जानि ना से आसिक बर्तमान से सुजोग मिलूँ कि जो मैंने लड़ई कर देखो अग्नि केवल ये विजु जनता दल क्या कहूनी सबू राजनैतिक दल रहे आमे देखिबा जदि युवक मानको आमे प्रतिनिधित्व दबा बा महिला मानको प्रतिनिधित्व दबा आमे देखिबा से महिला आमे मन कर गोटे महिला प्रतिनिधित्व कथा कहे से महिला भितर केते जन अछन्ति जो माने सांसद मानकर स्त्री विधायक मानकर स्त्री सेठी आमे महिला को दबार अछि तनु ई विधायक सांसद मानकर स्त्री का बहु कार नातुणी ई मानको आमे जदि देई दबा कार परिवार माने तारि भितर आमे बाछि के दबा ता भितर दिए जाउ एमती भी विजु जनता दल भितर अनेक महिला मध्ये अछन्ति जो माने ब्लॉक चेयरमैन हेकर मध्ये आछन्ति सरपंच समिति सभ्य हेकर आछन्ति किंतु तांका बापा राजनीति अछन्ति मु सेमानको स्वागत करूछि काहेकिना सेमाने निजे लड़े के आछन्ति बापा परिचय रे आसिनांति किंतु अनेक जगह रे जो माने बिल्कुल राजनीति रे नहांति पूरा पूरा फ्रेश माने राजनीति रे रक्षर भी जान नांति सेमाने सेमाने मध्ये आसी कि राजनीति रे पोछचंति एवं तांको सुजोग दिया जाउछ अच्छा तेसर आपन तो बहुत वर्ष बिजेडी रे थिले एबे बे छाडी चंति बिजेडी रे कार चालु छे नवीन नवीन कार चालु छे किछ नवीन बाबू मुझे इस्तफा पत्र इस्तफा पत्र नवीन बाबू को धन्यवाद देती नवीन बाबू ठार बहुत किसी शिखी नवीन बाबू को ठार बहुत किसी मुझे स्नेह श्रद्धा भल पाइबा पाई नवीन बाबू मत मानने पुओ भली मत देखी मुझे कि नवीन बाबू पाखे ऋणी एक मुखे पूरा ग्रेटफुल पाखे मुझे चीर ऋणी रही से कि गोटे कथा कह नवीन बाबू प्रति मोर कौन सेमती विद्वेष मनोभाव कि ना यहाँ हूँ गोटे दलर कथा एवं गोटे व्यक्तिर स्वाधीनता अच्छी जे सी कौ राजनैतिक दल को जीव रही कार्य कर विजु जनता दल गोटे मानते शुणु से विजु जनता दल नेता गोटे गणतांत्रिक प्रक्रिया चली नवीन बाबू मोर कि कहार ना
ଏବଂ କାରଣ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ନବୀନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଛି ଶୁଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ହେଉ ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଭାବରେ ହେଉ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କୌଣସି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖରାପ ମନୋଭାବ ବା ରାଗ ମନୋଭାବ ବା ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେନି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ହଁ ଏଇ କଥା ହଁ ଏଇ କଥାରେ ହଁ ସତ ହେଇପାରେ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନ ଭିତରେ କ୍ଷୋଭ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଛି ମୋର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କର ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି ଆମେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି ଯେଉଁଠିକି ଜଣେ ମାନେ ମାନେ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ନିର୍ବାହନ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆପଣ ନିଜକୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଭଳିଆ କହିଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ସୂଚାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ସେଇ ଦଳ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଆଣିଥିଲା ଏବଂ କହିଲେ ଖଜିପୁରର ଦୁର୍ନୀତି କଥା କେମିତି ଆପଣ ସହଜ ହେଇପାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ନାଇଁ ମୁଁ ମୁଁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଥିଲା ସେଇଟା ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନେତା ସିଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇ କଥାକୁ ଆଣିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସତ କଥା ଜାଣିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ନେତାକୁ ନେଇକରି ଦଳ ଚାଲେନି ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନେତା ଯଦି କହିବ ତାକୁ ନେଇକରି ଦଳ ଚାଲେନି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲି ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲା ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଏଠି କହୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବକ୍ତା ରହୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଭାଷା କହୁନା ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଷା କହୁ ସେଇଟା ଦଳର ଭାଷା ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁ ଦଳର ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଲାଇନ୍ ଥାଏ ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ କହୁ ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କହୁ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇରେ କିଏ କେଉଁ ଦଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ କହୁନୁ ଯେ ଗୋଟେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ମୋର ଯଦି ଦଳ ବଦଳ କରିବାର ଥିଲା 2014 ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲାନି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିଥାନ୍ତି ମୋର ଯଦି ଦଳ ବଦଳ କରିବାର ଥିଲା 2019 ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲାନି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିଥାନ୍ତି 2014 ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମୋର ଯେଉଁ କି ସମର୍ଥକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଏଠି ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲାନି ଭାରତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଯଦି ତୁମେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଦଳ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେଇପାରିବ 2019 ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ମାନେ କାହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ତ ମୁଁ ନଥିଲି କିମ୍ବା ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଉଭୟଙ୍କୁ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ମୋର ଲୋକସଭାର ନେତା ହେଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ସେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିଛି ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଆସିକି ମିଶିଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବହୁତ ମାନେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଜୀ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛି ସୁନୀଲ ବନସଲ ଜୀ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାରୀ ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତୁ ଆମର ତୋମାର ଜୀ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏବଂ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମୋତେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କାମ କରିବାର ଅଛି ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାମ କରିବାର ଅଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଗୋଟେ ବ୍ରିଫ୍ ଏବଂ ନିହାତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆନ୍ସର ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ 2024 ତେଜସ୍ୱର ପଡ଼ିଡ଼ା ପାଟକୁରା ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ଲଢ଼ିବେ ନା ନାହିଁ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଦଳ କିଏ ଦଳ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଦଳ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ କିଏ ଲଢ଼ିବ ମୋର ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଇନି କୌଣସି ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋର କର୍ମୀମାନେ ଚାହାନ୍ତି ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଯେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତେଇକି ଆଣିବା ତେଣୁ ତାପରେ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ କିଏ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ନାହିଁ ସେ କଥା ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ ଧନ୍ୟବାଦ ତେଜସ୍ୱର ପଡ଼ିଲା ଯେତେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦଳ ସେ କହୁଥିଲେ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ 2024 କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ।